Good morning everyone, myself Chetna from SIMT Nukotar. So today we are going to discuss on makeup. Makeup हमारी life में बहुत ही अहम role एक play करता है, बहुत ही significant role play करता है. Makeup हमें beautiful ही नहीं, सुंदर ही नहीं, बल्कि हमारी जो confidence level है उसको भी बढ़ा देता है. हमारे कईयों के face में बहुत ही problem होती है, जैसे कि उनमें acne की problem होती है, उनके पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, उनके ब्लैक स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो मेकअप की वजह से सब चीज़ें छुप जाती हैं और उनकी कॉन्फिडेंस क्या बढ़ा देता है किसी के आगे जाने में. ठीक है, तो हमें जब भी किसी के ऊपर मेकअप करना है तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. जो तीन चीज़ें ये है वो है कि टाइप्स ऑफ फेस. पहले हमें कभी जब भी हमने मेकअप किसी के फेस पे करना है तो हमें उनका फेस चेक करना है, उनका फेस मतलब उनकी स्किन चेक करनी है, उनकी फेस की शेप चेक करनी है, उनका स्किन टोन चेक करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब उनका फेस देखते हैं तो हमने आइडिया लगाना होता है कि ये जैसे कि ये ओवल फेस का है या फिर ये राउंड फेस का है या डायमंड फेस का है, जो कोई भी शेप हो हमें उनको देखना है कि इसकी हम कौन सी किस टाइप में कंट्यूरिंग कर सकते हैं, क्या इनको हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा मेकअप के साथ, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्किन कलर. हमें क्या है, उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग फाउंडेशन बिल्कुल उन मैचिंग लेनी चाहिए. अगर हम उनके स्किन अकॉर्डिंग के फाउंडेशन नहीं लेंगे तो वो उनका फेस क्या है अच्छा नहीं दिखेगा, मेकअप अच्छा नहीं दिखेगा, ओवर दिखेगा. और द लास्ट थिंग इज स्किन कॉन्सेप्ट. हमें चेक करना चाहिए कि उनकी स्किन कौन सी है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कोई भी स्किन है, हमें क्या है कॉन्सेप्ट चेक करना है. ओके, सो वैसे जो फेसेस की शेप होती है वो होती है सात तरह की शेप होती है. सबसे पहले तो राउंड होती है, देन ओवल, एक होती है हार्ट शेप्ड, एक डायमंड, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड लॉन्ग फेस. ठीक है, तो हमें कोई भी मेकअप है अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू स्किन करना चाहिए. तो सबसे पहले हमें जब भी मेकअप स्टार्ट करना है, हमें फर्स्ट स्टेप है कि मॉइस्चराइजिंग. हमें सबसे पहले मेकअप जब करना है तो उनकी स्किन क्या है मॉइस्चराइज करनी है. मॉइस्चराइज हम इसलिए करते हैं ताकि कईयों की स्किन ड्राई होती है ना, तो हम मॉइस्चराइज करेंगे उनकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी. अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं तो वो उनकी स्किन जो फाउंडेशन हम अप्लाई करते हैं वो ड्राई लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्या क्या वो फाउंडेशन फेस में समर्ज नहीं होती. सो फर्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज, देन सेकंड स्टेप है प्राइमर. प्राइमर हम फेस पे इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूद हो जाए. जब हम उस प्राइमर के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करें वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई हो, स्मूदली अप्लाई हो. अगर हम प्राइमर नहीं यूज़ करते तो क्या होता है, फाउंडेशन ना ऊपर नीचे मतलब अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होती, पैचेस डल जाते हैं. और प्राइमर के साथ बिल्कुल पैचेस नहीं डलते, बिल्कुल प्राइम मीन्स कि स्मूदली अप्लाई होता है. देन द थर्ड स्टेप इज़ फाउंडेशन. हमें उनके फेस के ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करनी है उनके स्किन के अकॉर्डिंग. ठीक है, देन आफ्टर दैट फाउंडेशन वी हैव टू यूज़ कंसीलर. कंसीलर हम डार्क स्पॉट्स पे यूज़ करते हैं, like हमारे आईज के नीचे हो सकता है, नोज़ के नीचे हो सकता है, चिन पे हो सकता है, लिप्स के आसपास हो जा सकता है. मोस्टली ये चार जगहों पे तो कंसीलर यूज़ होता ही है. बाकी अगर किसी के पिंपल हैं तो उसको छुपाने के लिए हम क्या है कंसीलर यूज़ कर देते हैं. देन आता है ब्राउन्जर. ब्राउन्जर को जैसे हम कंट्यूरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमें क्या है चीक्स बोन पे अप्लाई कर देते हैं. चीक्स बोन पे हम ब्राउन्जर अप्लाई करते हैं हमारे फेस को शेप देने के लिए. कईयों का राउंड फेस होता है, ठीक है, हम उनको शेप देके उनका फेस डायमंड कर देते हैं, डायमंड शेप कर देते हैं या ट्रायंगल शेप कर देते हैं, या कईयों का फेस छोटा है तो हम कंट्योर करके उनका फेस थोड़ा लंबा कर देते हैं. अगर किसी का फेस लंबा है तो हम कंट्योर करके थोड़ा छोटा कर देते हैं. मींस कि हम शेप फेस की शेप देने के लिए ब्राउन्जर यूज़ करते हैं, जिसको हम कंट्यूरिंग भी बोलते हैं. उसके बाद आता है ब्लश चीक्स पर लगाने के लिए, ठीक है, एज यू ऑल नो इट इज़ पिंक इन कलर. देन आफ्टर दैट पाउडर, जिसको हम कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर भी बोल सकते हैं. जो कंट्यूरिंग होता है ना, कंट्यूरिंग में तीन चीज़ें आती हैं, हाइलाइटर, ब्लशर और ब्राउन्जर. ठीक है, इसको चाहे आप ब्राउन्जर और ब्लश बोलो, चाहे आप कंट्यूरिंग किट बोलो,
सेम थिंग है। ओके, आफ्टर दैट हमें आता है आई शेडो अप्लाई करना। आई शेडो आपको पता ही है, अप्लाई मीन्स आईज पे करते हैं। आई शेडो अप्लाई करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स है। सिंगल कलर आई शेडो भी आते हैं, डबल कलर आई शेडो भी आते हैं, ट्रिपल कलर आई शेडो भी आते हैं। वो अकॉर्डिंग टू मीन्स आपके चॉइस के अकॉर्डिंग होता है कि आपने कौन से कलर के या कौन से मतलब कितने आई शेडो यूज़ करने हैं। आफ्टर दैट उसके बाद आता है आईलाइनर अप्लाई करना। देन आफ्टर दैट मस्कारा। मस्कारे मीन्स आईलैशेस पे, पहले आप मस्कारा यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर आप आईलैशेस लगा के एक बार दोबारा से मस्कारा यूज़ करोगे ताकि अब आपकी आईज़ क्या है बहुत ही अच्छी लुक में आए। उसके बाद हमें करना है आईब्रोज। हमें अपने आईब्रोज की शेप देनी है। आईब्रोज की शेप देने से आपका फेस और भी मीन्स ब्राइटर लगता है, अच्छा लगता है। जैसे कि आईब्रो की शेप होगी आर्च्ड, स्टेप आर्च, एस शेप्ड, राउंडेड, स्ट्रेट, ठीक है। अगर हम मीन्स ये मोस्ट ऑफ द मेकअप की जो लुक है सबसे ज़्यादा आती है आई मेकअप की वजह से। अगर आपका आई मेकअप बहुत ही अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में किया है, बहुत स्मूथली किया है, तो आपका फेस बहुत ही ग्लोइंग शो होता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट जब हम आई ब्रो शेप दे देते हैं, हमें लास्ट में लिप कलर चूज़ करना है। लिप कलर आप अपने आई शेडो से भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने पिंक यूज़ किया आई शेडो तो आप पिंक यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ब्लू या ग्रीन या कोई भी किया हो तो इसके साथ रेड कलर अच्छा लगता है लिप शेड का। अगर आपने लिप शेड अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग करना है, जैसे कि आपने अगर पिंक डाला है, रेड डाला है, ब्राउन डाला है, वॉलेट डाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने लिप शेड यूज़ कर सकते हो। एंड एट लास्ट हमें अपने सेटिंग स्प्रे फेस पे लगानी है। सेटिंग स्प्रे हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो मेकअप की स्टेबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाए। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कभी भी मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो कि मैम हमें ये समझ नहीं आया। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि बच्चों, ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अभी आप सुनते हो, आपको समझ आता है, ठीक है, वो डिफरेंट थिंग है। जब आप खुद प्रैक्टिकल करोगे ना तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।